कैमरा आई थिंक जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से कैमरा जस्टिस कर रहा है। और ये मैं अपनी ज़बान से नहीं बताऊंगी, आपने बताना है कि ये देखें मामा दिख रहा है, आपने बताना है ये क्या है, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें अंदर से। ये खूबसूरत कलर है और मारिया इसको कह रही है कि मैं ना आयरन बाहर से मतलब करवाऊंगी। क्या चाह रही हूँ कि मैं आज तक इसकी शाइन नहीं गई है, ये सब देखिए कितनी बुरी इस पर्पल पे सिल्वर कलर है का काम है। और यहाँ तो भाई हाल अहवाल बहुत ही बुरे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। वीडियो जो है शाम से स्टार्ट करी हूँ और आज संडे जो है वो बिल्कुल भी हमारा फंडे नहीं रहा, क्योंकि सभी का जो है उसे बहुत ज्यादा तेज जो है फीवर हो रहा है, इसलिए जो है वीडियो में शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। चले जी सभी का से आपको मिलवाते हैं। देखें मामा के साथ ये लेटी हुई है और अभी जो है इनको फीवर हो रहा है, क्यों छुरियों मैं डालूंगी ना मुंह में सीधा। ये देखें इनको जो है फीवर हो रहा है और इसको जो है हम लोग थर्मामीटर लगा रहे हैं। ये देखो इसको बुखार हो, बुखार तो काफी तेज लग रहा है तुम्हें, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें अंदर से। तो मजे ही आ गए थर्मामीटर मुंह में लेके निकालने का नाम ही नहीं है, चाह रही है कि सही से एकदम ठीक ठाक इनको बुखार चढ़े। चलो निकालो दो, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ते ही नहीं है बच्चे आजकल के। हम कोशिश करते हैं हम इस पे देखें ये उल्टा क्यों आ रहा है, ये सीधा यहाँ से मुझे यहाँ से ये उल्टा दिख रहा है मुझे, ऐसे कैसे कैसे देखूँ। पकड़ो उसको, पकड़ो इधर से दिखाओ सही से हम इसको जो, एक मिनट रुक जाओ, ये दिख स्क्रीन पे तो दिख ही नहीं रहा है कितना हैंड्रेट आ रहा है तुम्हें, यहाँ से मैं देख रही हूँ हैंड्रेट आ रहा है, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, सबीका को जो है बुखार आ चुका है और वो जो है ये देखें स्क्रीन पे शो हो रहा है वो 100 के करीब है, सबीका 100 के करीब है, पूरा 100 भी नहीं है, ये 101 होता है 102 होता फिर बात होती। ये ब्लर क्यों हो जा रहा है बार बार, रुको ना एक मिनट, 1 पे है 100 है, ये ब्लर हो रहा है भाई, फिर भी देखने वालों ने जो है देख लिया होगा। ये देखो हाँ, तो 102 103 होता तो बात होती, फिर तुम कहती कि देखो दीवार पर मक्खी बैठी है, दीवार खा गई, ये वो होता। चलो उठो शाबाश, तुम्हें याद नहीं है बचपन में तुम कहती थी दीवार पे मक्खी बैठी है, वो तुम्हें कितना तेज बुखार थे ना, हम लोग सब रोते। चेक करो मैंने 3 लेयर्स लिए हैं, एक कंबल है हाँ, एक मम्मा की मोटी चादर जैसे वाली हाँ, एक कंफर्टर। ये हम लोग ना तुम्हें लेके गए पता, सारे रोते पिटते गए थे याद है तुम्हें। चलो चाय लेकर आऊं, चाय पी के उठोगी, उठोगी ना पाला बाबा, कभी कभी तो बीमार होती है आराम। चलो दवाई अभी मम्मा से पूछ लो, मम्मा क्या देंगी इसको, चलो दवाई देते हैं अभी तुमको, देते हैं उसको, हमारा नीमक के पत्र जान देगा। जो है लाइट जा चुकी है और मम्मा जो है हम सब के लिए गरम गरम चाय बना रही है ठंडी ठंडी चलती हुई हवा में। चले जी अंधेरे में जो है हम चाय इंजॉय करते हैं क्योंकि जनरेटर ऑन नहीं करेंगे आज, हम पेट्रोल बचाएंगे अपना। और अभी जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी तैयारी करके मैं कर रही हूँ और मैं एक दफ़ा जब काफ़ी चीज़ें हो जाए ना तो एक दफ़ा जो मैं प्रॉपर आपको अपनी प्रिपरेशन जो है रमज़ान की दिखा दूँगी। रात के खाने में मम्मा ने बॉयल राइस बनाए हैं यहाँ पे और इसके साथ ही मज़ेदार सा आलू चिकन का जो है नॉर्मल वाला सालन बनाया है, इसके साथ ही जो है मम्मा ने कुछ रोटियाँ भी बनाई हैं, चपातियाँ भी बनाई हैं। और रमज़ान की जो है प्रॉपर प्रिपरेशन तो अभी तो काफ़ी टाइम है, पहला रोज़ा कह रहे हैं 11 तारीख से है तो उस लिहाज से जो है करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्नैक बना रही थी जिसके लिए मैंने बस जी थोड़े ऑयल में जो है लहसुन को जो है सौते कर लिया था 1 खाने का चम्मच लहसुन, उसमें जो है एक छोटी गाजर और एक छोटी जो है शिमला मिर्च ऐड की और मैंने एक छोटी जो है बंद गोभी ऐड कर दी और थोड़ी सी जो है हरी प्याज काट के जो है ऐड कर दी और तमाम सब्जियों को मिक्स कर लिया। इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च और काली कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कैचअप, सोया सॉस और रेड चिली सॉस और कॉर्नफ्लोर जो है उसको जो है घोल के ऐड करके यहाँ पर मिक्स वगैरह करके उसको थोड़ा सा बस 5 से 6 मिनट जो है बस उसको कुक कर लिया। और यहाँ पर ये मैंने जो है रोल की शीट्स भी जो है ऑर्डर की थी उनसे, जो मैंने मंगवाई थी ना तो मैंने समोसों के साथ रोल की शीट्स भी मंगवाई थी और इसको जो मैंने इस तरीके से कट करके, ये 9 शीट्स थी तो कटिंग के बाद मेरे पास जो है ये टोटल जो है 19 जो है ये स्नैक जो बन गया। ये बड़ा अच्छा अच्छा ये स्प्रिंग रोल नहीं है, ये थोड़ा सा चीज़ ऐड करके ये दूसरे तरह का कुछ चाइनीज़ स्नैक है जो कि उन्हीं की शॉप पे मिलता है और मुझे ये बहुत मज़ेदार लगता है तो मैंने वही वाली ट्राई की है बनाने की। और यहाँ पर यह कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कंप्लीट यहाँ पर जो है ये सारे स्नैक्स जो है बन चुके थे और मैं ज़रा इसके पिक्चर्स वगैरह ले रही थी और मैंने जो इसकी पिक्चर्स वगैरह ले ली हैं, इनमें से कुछ जो है मैं इन लोगों को अभी जो है फ्राई करके दे दूँगी और बाकी जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जब ये थोड़े हार्ड हो गए तो फिर इनको मैं सेव करूँगी।
कंप्लीट रेसिपी जो है मेरे कुकिंग चैनल जो मसारा किचन है ना उस पे जो है मैं अपलोड कर दूंगी, उसमें जो है इसको फ्राई करके भी मैं दिखाऊंगी और मुझे सबिका को भी देना है। एक्चुअली ना उसको बुखार आया हुआ है ना, तो इस वक्त ना बुखार में ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुई हुई है और बस कह रही है मुझे ये दो, गुस्सा कर रही है बहुत ज़्यादा। और ईमान असलम थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, साइमा फैजान थैंक यू। सारे जो है मैंने इसमें सेट कर दिया ट्रे में और अभी जो है मैं इसको फ्रीज़र में जो है वो रख दूँगी, तो इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। और मुझे यहाँ पे कमेंट आया है आयशा, मैं अभी आपको जो इमरान बेकिंग जो है उनका जो मैं आपको ये देखें मैं फ्रीज़र का मैं हाल अहवाल दिखा दूँ अपने क्या हो रहा है। और आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है मैं आपको दिखाती हूँ, और वो ये है कि कैमरा आई थिंक जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से कैमरा जस्टिस कर रहा है। और ये मैं अपनी ज़बान से नहीं बताऊंगी, आपने बताना है कि ये देखें मामा दिख रहा है, आपने बताना है ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ शो हो रहा है, ये आपने बताना है, मैं नहीं बोलूँगी। मम्मा आज रोटी जो है रोल आउट कर रही थी, बेल रही थी चपाती, और अचानक उनको ये लिखा हुआ नज़र आया है, और इसको जो है हमने फौरन इस रोटी को जो है हमने नहीं सेका, हमने इसको जो है सेव कर लिया और फ्रीज़र में रख दिया है, और इसको अब हम सेव करके रखेंगे। मैं नहीं बोलूँगी ये क्या चीज़ है, आप ख़ुद बताइए ये क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपने मुझे बताना है कि क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और बस हम लोग जो है इतने खुश हो रहे हैं, सिर्फ मेरी मम्मा हमारी बेल नहीं थी और ये चीज़ इसमें शो हो गई है। चलिए इसको जो है अभी मैं साइड पे रखती हूँ और रोल रखती हूँ। फिर जो है दुपट्टा जो हमने निकाला था और कहा था कि गर्मियों के लिए सिलाई शुरू करेंगे, तो इसकी जो है कटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, और यानी शर्ट से लेगी वाला दुपट्टा आपको दिखा दूँ। और इसको जो है भाई इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जो है ये हमारा सामान जो है सारा निकला है, और इसमें से जो है निकले हैं मम्मी के इस घर में जो असल एक्चुअली जो हम लोग पहले वाले घर में रहते थे ना, उस घर में जो है दीवारों पे कैबिनेट्स वगैरह बने हुए थे, अलमारी थी हमारी 3 डोर की बड़ी सी लकड़ी की, उसमें जो है हमने सारा सामान रखा हुआ था। इस घर में जब आए तो हम कार्टन पे पैक करके सामान लाए, तो ये मम्मा की शादी की साड़ी है, देखें बनारसी साड़ी है, और मैं कैसे दिखूँ मम्मा कह रही है कहाँ की है मम्मा, इंडियन साड़ी कहते हैं ना, ये इंडियन साड़ी है मम्मा की बनारसी की, और देखें आज तक इसकी शाइन नहीं गई है, ये सब देखें कितनी बुरी ये पर्पल पे सिल्वर कलर है का काम है, सिल्वर नहीं है गोल्डन है ना, गोल्डन है लेकिन ये आपको पता नहीं वीडियो में शो हो रहा है, वही वीडियो में नहीं हो रहा तभी मैं बता रही थी, वीडियो में नहीं समझ आ रही है ना, इसकी शाइनिंग नहीं गई है, ये वैसी की वैसी है ना। थोड़ा पास लाओ, हाथ में रख के पास लाओ कपड़ा, ये देखें ये बिल्कुल वैसे की वैसी है, इस पे पर्पल ब्लॉक बना के इतना कितना, और गुंजा पे जैसे काम है, बहुत खूबसूरत ये साड़ी है। तो ये सारा सामान जो है इसमें से अंदर से निकल रहा है, वो सब हम सेव करेंगे अब तक के। एक कार्टन वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, अच्छा एक और साड़ी दिखाती हूँ, उसका इतना बुरा हाल है, उसको आयरन करवाना है मुझे, और मैं आपको दिखा, ये कह रही है किससे, धोबी को, धोबी आयरन करता है ना, धोबी को मैंने कहा है, हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं धोबी को नहीं दो, क्योंकि अगर जल गई, क्योंकि उनकी स्त्री बहुत गर्म होती है, तुम निकालो ना खड़ी है पोज लेने। अरे मम्मा अपनी साड़ी का फॉल दिखाते हुए, ये नहीं मेरी अम्मा, तुम्हारी अम्मा ये वहाँ पहनी हुई है, हाँ पहनी है ना ये साड़ी, इसका ये नीचे आता है ना, ये नीचे आता तभी तो गंदगी, हाँ और ये सिल्वर गोल्डन पता नहीं मिक्स है, गोल्डन ही है, गोल्डन ही है ये साड़ी, एक मिनट रुको दिखा रही हूँ, ये वाली साड़ी देखें कितनी खूबसूरत है, ये वाली भी मामा ने जो शादी में पहनी है, कितनी दफा पहनी है मामा इसका बॉर्डर, ये दो दफा पहनी है ये मामा, ये खूबसूरत कलर है। और मारिया इसको कह रही है कि मैं ना आयरन बाहर से मतलब करवाऊंगी, क्या मैं चाह रही हूं कि मैं इसको धोबी से आयरन करवाऊं, लेकिन सभी का कह रही है नहीं मारिया, इसको हम दोनों मिल के आयरन आराम से करके फिर इसको प्लास्टिक में करके रखें। आप ये मम्मा कह रही है कि ये इसकी सबसे पहले तो आप इसकी क्वालिटी चेक कीजिए, सोचे मम्मा को ये शादी में मिली थी, सोचे कितनी पुरानी है साड़ी, और फिर इसको जो है ना मैं करके इसको प्लास्टिक में इसको पैक करके रखूंगी, मैं और सभी का रमजानों से पहले प्लास्टिक की, मैं आयरन वाले को देना नहीं कह मना कर रही हूँ, क्योंकि उनकी स्त्री बहुत गर्म होती है, और अगर उन्होंने रखा और ये जल गया अल्लाह ना करे तो वो तो बस सॉरी बोल देंगे, हम क्या कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत साड़ी, इसको आयरन करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी, हम ही करेंगे, हम देंगे आयरन, नहीं मैं मेडिसिन नहीं लिया, तुम साड़ियाँ तो निकाल के खड़ी हो गई हो, इस वक्त जो है सबिका का बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, और ये नहीं सबिका दिखा दो अपनी शक्ल आके, ये नहीं हमारी सबिका, और हमेशा की तरह ही ब्लर आ रही है लाइट के नीचे,
अभी दवाई वगैरह इसको दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे कहना था कि मियाँ अब्दुल रहमान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, थैंक यू जो है आपने मामा की तारीफ की, आपने हमारी तारीफ की और आपने बिरयानी की तारीफ की। और दवाई नहीं दिखाया करो, ये बस दवाई नहीं दिखा सकते, दवाई नहीं दिखा सकते, क्या पता भाई यूट्यूब को बुरा लग जाए, तुम दवाई क्यों दिखा रहे हो। अभी जो हम इसको घर में दवाई वाई खिलाएंगे, अल्लाह करे कि इसको शिफा हो जाए, नहीं तो फिर डॉक्टर क्या देखते हैं। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे कहना था कि मियाँ अब्दुल रहमान बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद करने का, वीडियो देखने का। और अरमान हसन भाई दो घंटे क्या है, एक घंटे बाद भी चाय बनती है। जी हाँ, मैं चाय जो है बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे चाय की ना क्रेविंग है, तो मैं चाय कहते हैं ना मैं टी एडिक्ट हूँ, तो मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और जी हाँ, डॉक्टर के यहाँ तो जाना चाहिए, लेकिन मेरी तबीयत तो काफ़ी ठीक हो गई है, मुझे वो था फ्लू था, पर सभी का जो है उसको फीवर आ गया, पता नहीं क्या है उसको, देखते हैं क्या होता है। तो ज़रूर उसको डॉक्टर के कहेंगे। और आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी और कमेंट किया। और इसके साथ ही सालन रोटी ऑफिशियल भाई, हाँ बारिश की एक बूंद गिरे यहाँ और बस लाइट चली जाए, लेकिन ये था कि कल अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि हमारी लाइट नहीं गई, लेकिन बुरी बात उनके लिए थी जिनकी जो है पूरी पूरी रात लाइट नहीं गई, लाइट नहीं आई, वो बेचारे उसमें परेशान रहे। तो दोनों ही सूरतों में जो है मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ ना, ऐसे कर लेती हूँ, तो दोनों ही सूरतों में जो है बुरी बात है, बस लाइट का तो यही है तमाशा। और हाँ पता है, और क्या कह सकते हैं, पकौड़े तो खैर शान है बारिश होती है, लेकिन हर दफ़ा जो है बस तबीयत ख़राब रही, डॉन डॉन से कुछ फील होता रहा अंदर से, कि इसीलिए जो है पकौड़े नहीं बन पाए। हो सकता है किसी दिन जो है पकौड़े वो बन जाएँ, क्योंकि आज था प्लान, लेकिन आज भी बस सारा दिन सभी कहीं की तरफ से परेशानी रही, कैसे ना पकौड़े जो हैं वो नहीं बन सके। और होम वाइडी थैंक यू सो मच, आपने आप वीडियो देखती हैं, आप कमेंट करती हैं, शायस्ता अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। और अभी लाइफ स्टाइल थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। चलिए जी वीडियो को जो है यहीं पर करते हैं एंड, और नहीं कि अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो तो जल्दी जल्दी से हमें जो है फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। वीडियो कभी होती है अप डाउन लाइफ में लगा रहता है, हम रेगुलर लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं। अब आज की ज़िंदगी में जो है कुछ परेशानियां रही वो भी हमने आपके साथ शेयर की, जिसके वजह से हम जो है कंटिन्यू वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा मैं व्लॉग को कुछ नहीं कर पाई, और लेकिन फिर भी जो है एक जैसे तैसे मैंने रमज़ान की जो है वो प्रिपरेशन की, और एक चीज़ तो चने बना के उसको मैंने फ्रोज़न किया है, और ये अभी मुझे कह रही है मुझे फ्राई करके दे दो, फ्राई करके दे दो, अभी थोड़ा सा बुखार का डिजिट कम होगा तब फ्राई करके मैं तुम्हें दूंगी। और इसके साथ ही ज़्यादा दीजिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, चलो अल्लाह हाफिज़।